हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग का टाइम है, सभी लोग लगे हैं काम पे। मम्मी घी गरम कर रही है, आज शुक्रवार है तो घी गरम कर लेते हैं हम। शुक्रवार को भी, संडे को भी कर लेते हैं। मम्मी चूल्हे पर घी गरम कर रही है, आग जलना बहुत मुश्किल है। गुस्से भी ऐसे हो गए हैं हमारे यहाँ कि वो जलते नहीं हैं। मैंने सुबह में बच्चों का पानी गर्म किया था तो बहुत मुश्किल से आग जली थी, अभी तो जल भी रही है लकड़ी के सहारे से। और देखिए, आज धूप निकली है अच्छी, पर हवा चल रही है। धूप तो अच्छी निकली है, हवा बहुत तेज़ है आज भी, ठंडी ठंडी। मसाले दाने धोई थी तो शाम के टाइम सूखी नहीं थी, अभी सूख गई है। पहले मैं इसमें सारे मसाले डाल लेती हूँ, उसके बाद ही सब्जी छौंक लगाऊंगी। मैं बनाऊंगी आलू गाजर। और कुकर मैंने रख दिया है धो के, इतना उसका पानी सूख जाएगा। इतने में मसालेदानी में मसाले कर लेती हूँ। मैंने इसमें हल्दी, मिर्च, जीरा, नमक और धनिया ये सब करना है। गरम मसाला थोड़ा ही है तो थोड़ा सा गरम मसाला भी कर लूँगी। और एक मैं खाली ही रखती हूँ, क्योंकि जब मैं सब्ज़ी छौंकती हूँ तो उसमें सारे मसाले एक जगह डाल के फिर सब्ज़ी में ऐड कर लेती हूँ, तो एक को मैं खाली ही रखती हूँ, इसमें मैं कुछ नहीं रखूँगी। अभी हमारी मसालेदानी तैयार हो गई है, मैं सब्ज़ी छौंक लगा लेती हूँ। और जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें मैं एक बाउल में सारे मसाले कर लेती हूँ सब्ज़ी में डालने के लिए। तो मैंने ये सारे सूखे मसाले कर लिए हैं एक जगह, छौंक मैंने काट के रखा हुआ है। अभी मैंने इसमें जीरा और मेथी डाल दिए हैं, आलू गाजर में, मेथी दाने में और जीरे में भी छौंकती हूँ। अभी सब्ज़ी भी मैंने अच्छे से वॉश की थी और इसको भी मैं इसमें फ्राई कर लेती हूँ। आलू गाजर मेथी दाने में छौंक लगा होता है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, मैं ऐसे ही छौंक लगाती हूँ। आप लोग भी ऐसे ही लगाते होंगे, जो जो ऐसे लगाते हैं प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना। और मैंने दूध भी बिलो लिया है, मैंने रई लगा दी थी धो के, तो मक्खन भी आ गया है। अभी मैं मक्खन को पोंछ लेती हूँ रई को। मलाई को तो हम कभी कभी रखते हैं, जब दूध नहीं होता तो दूध की मलाई तब इकट्ठी हो जाती है, नहीं तो हम रोज़ ही दूध को जमाते हैं और रोज़ ही मक्खन भी निकालते हैं। हम लोग सब मट्ठा पीते हैं, मट्ठे के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं सभी, तो इसलिए हमें रोज़ ही दूध बिलोना होता है। और हाथ की रई से भी बिलो लेते हैं, बिजली की रई से जल्दी आ जाता है। पहले तो हाथ की रई से बिलोते थे, बहुत देर में आता था मक्खन, बहुत बहुत बार तो बहुत ही मुश्किल से आता था, परेशान हो जाते थे, पता नहीं चलता था कि कहीं की कमी है। और अभी तो इसमें सर्दियों में गर्म पानी डाल दो थोड़ा सा और बस रई घुमा दो और मक्खन फटाफट से आ जाता है। और देखिए कितने अच्छे से आ गया है सारा मक्खन। अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ पानी में, पानी में निकाल लूँगी, इससे इसका मट्ठा जो होता है इससे अलग हो जाएगा और घी धो भी जाएगा, तो इसको धो भी लूँगी। पानी में ही निकाल लेते हैं हम, गर्मियों में पानी में निकालते हैं, इससे इसमें जो मट्ठा रह जाता है वो नहीं रहता। तो मक्खन भी निकाल लिया है मैंने। और खाना बनाने के बाद आज मुझे रूम की क्लीनिंग भी करनी है, बहुत दिनों से सोच रही हूँ पर आज तो मैं करूँगी ज़रूर। आज मैंने रूम में उथल पुथल मचा दी है, मैं सारा सामान शिफ्ट कर रही हूँ इधर से उधर, सारा सामान ही चेंज करूँगी कमरे का, बहुत बुरी हालत है। सर्दियों में मन नहीं करता है पर सफाई तो ज़रूरी होती है। आज टाइम मैंने निकाल ही लिया जैसे तैसे, तो पहले मैं रूम की क्लीनिंग ही करूँगी। सारा सामान मैंने हटा दिया है, बेड मेरा हल्का ही है, ज़्यादा भारी नहीं है, तो इस वजह से मैं अपने आप ही कर लेती हूँ इसको सेट जहाँ भी करना होता है। सेफ मेरी पटरे पर रखी हुई है तो ये भी आराम से खिसक जाती है, इसको भी हटाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और मैं लगाऊंगी इधर बेड, क्योंकि विंडो की क्लीनिंग नहीं हो पाती जैसे मैंने पहले रखा था, उस तरीके से विंडो की सफाई नहीं हो पाती है, विंडो ऐसे ही रहती है और धूप भी कम आती है रूम में, तो थोड़ी बहुत धूप भी आ जाया करेगी। और गर्मियों में तो फ़ायदा हो जाता है, इधर विंडो से बहुत अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती है, और जब बारिश हो जाए तब तो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आती है गर्मियों में, तो इस वजह से मैं गर्मियों से पहले ही बेड को चेंज कर लेती हूँ, सर्दियों में फिर से चेंज कर देती हूँ। मेरा यही है, मेरा मन लगता है, इससे क्या होता है कि इनके नीचे जो कूड़ा वगैरह होता है वो सब अच्छे से साफ़ हो जाता है, निकल जाता है और अच्छे से रूम की क्लीनिंग हो जाती है इस तरह से। देखिए मैंने सामान सेट कर दिया है, अभी मैं बेड शीट डाल देती हूँ, उसके बाद रूम फिट हो जाएगा बिल्कुल। और बताना आप लोगों को कि ऐसे रखा हुआ कैसे लग रहा है। अभी अलमीरा भरी हुई है कपड़ों से, इनको मुझे प्रेस करनी है, तभी आप लोगों को दिखाऊंगी अच्छे से रूम, जब मैं अच्छे से इसकी क्लीनिंग कर दूंगी। अभी तो फ़िलहाल मैं
पोछा लगा रही हूँ, बहुत काम पड़ा हुआ है। बच्चे भी आ जाएंगे फिर स्कूल से, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं हो पाता, बहुत काम रहता है पूरे दिन, नहीं ख़त्म होता बिल्कुल भी। बच्चे भी हमारे 4 बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी है तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि कैसे कैसे टाइम मिलता होगा मुझे काम करने का। बहुत ही ज़्यादा काम रहता है, बच्चों का भी है और अपना घर का भी है, तो थोड़ी बहुत परेशानी तो होती ही है, पर मेरा मन लगता है सभी काम करने में। मैं किसी को भी गुस्सा या नाराज़ नहीं देख सकती हूँ, सभी को खुश देखना चाहती हूँ। इस वजह से चाहे मुझे कितना भी कष्ट हो जाए काम करने में, मैं बिल्कुल भी ये नहीं सुनना चाहती कि हाँ पूजा ने ये काम नहीं किया है और पूजा करती नहीं है। तो मुझे ये सब कहलवाना बहुत ही बुरा लगता है। मैं चाहे पूरा दिन भी लगी रहूं पर मुझे काम करने से कोई परेशानी नहीं है, मैं सारा ही काम कर लेती हूं। ये नहीं कि दूसरों के भरोसे रहूं कि वो करेगा तभी हो जाएगा, मुझे जो करना है करना है, मैं दूसरे पर डिपेंड नहीं रहती। और चूल्हा भी साफ़ हो गया है, यहाँ पे भी पानी डाल दिया है मैंने, जो पोछा लगा रही हूँ कुछ तो वो डाल देती हूँ, और फिर साफ़ पानी डाल दिया है दीदी ने। अभी मैं इसको यहाँ से वाइपर से अच्छे साफ़ कर दूँगी तो चूल्हे के पास भी साफ़ हो जाएगा। और मम्मी का मन तो बस कढ़ाई बुनाई में ही लगता है, आप जानते ही हैं, आपने मम्मी को जब भी देखा होगा कुछ ना कुछ बुनते हुए देखा है। मम्मी को बुनाई करने का बहुत ज़्यादा शौक है, सर्दियों सर्दियों कुछ ना कुछ निकालती रहती है। अभी काम फिनिश हो गया था तो अपना स्वेटर उधेड़ कर उसको ही बुनने बैठ गई मम्मी को, ऐसे ही मन लगता है। और मैं भी सारे घर में पोछा लगा दिया है, बस थोड़ा सा ही रह गया है, इसको पूरा कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मुझे कपड़े धोने हैं, नहाना है और मेरा काम फिनिश हो जाएगा। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आज दिन है सैटरडे नहीं सॉरी शुक्रवार। आज दिन है शुक्रवार और टाइम हो रहा है अभी 3:30 बज गए हैं, तो चाय मैंने बना ली है, सब लोगों ने पी भी ली है। और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में मर्स फैमिली व्लॉग में। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना भी ना भूलें। तो आज थी अमावस्या, अभी यहाँ पर दीदी लाई है नीचे से गोबर, हम कट्टे से ही लेकर आ जाते हैं। तसले से तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, 2 जिन्ने चढ़ने पड़ते हैं तो कट्टे से ही लेकर आ जाते हैं। हम बना रहे हैं गुल्ले अंगीठी में जलाने के लिए, ये अंगीठी में बहुत अच्छे जलते हैं और सूख भी जल्दी से जाएंगे, अभी तो धूप निकलने लगी है। तो दीदी बना रही है यहाँ पर, ज़्यादातर यही बना देती हैं, हमें तो टाइम कम ही मिल पाता है, जब कभी मिलता है तो हम भी हेल्प करा देते हैं। मम्मी भी उपले बना देती हैं इनके साथ में। अभी धूप नहीं निकलती थी तो परेशानी हो गई थी हमें, थोड़ा ही ईंधन बचा है, अभी बस जल्दी जल्दी हम गुल्ले बना लेंगे, फिर अंगीठी में इनको जला लिया करेंगे और उससे हमारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। पहले तो हीटर भी चला लेते थे जब मीटर नहीं लगे थे, पर अभी तो हीटर भी नहीं चलते हैं किसी के घर में भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिल आता है अगर हीटर चलाए तो। और देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है आज। अभी हमने सारा ईंधन जला दिया है तो भाई साहब लेकर आए हैं ये उपले, जब खेत में गए थे, ये हमने मोल ही मंगाए हैं क्योंकि घर ख़त्म हो गए थे। और अभी तो धूप अच्छी निकलने लगी है तो अब हम उपले भी बनाने लगेंगे, फिर हमारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। पानी गर्म करने के लिए बहुत सारे उपले चाहिए, बहुत ज़्यादा लग जाते हैं पानी गर्म करने में, काफ़ी बड़ा परिवार है हमारा तो सब लोग नहाते हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि कितना पानी चाहिए पूरा दिन। और रोड से भी कर लेते हैं हम गर्म पानी, पर रोड भी हम कम ही चलाते हैं, बहुत फिर बहुत ज़्यादा बिल आता है, वैसे ही बहुत काम होते हैं लाइट के, तो इतनी इनकम नहीं है हमारी कि ज़्यादा से ज़्यादा बिल भर सके, तो हम हिसाब से ही खर्च करते हैं लाइट। और अभी शाम का टाइम हो गया है, मैं भी खाना बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं काट रही हूँ छोंक, मैंने बनाई है दाल मूंग मसूर और चने की, तो उसमें छोंक लगाना है। आटा आज मैंने थोड़ा ही बनाया है, कई दिनों से ऐसा हो रहा है बहुत आटा बच जाता है, अगर थोड़ा रहेगा तो मैं दूसरी बार गूँथ लूँगी, पर आज मैंने थोड़ा ही बनाया आटा, बहुत बच जाता है, बहुत दिनों से पशुओं के आगे डालना पड़ता है बचा हुआ। वैसे रोटी भी बना लेती हूँ बचे हुए की, पर सर्दियों में बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, रोटी बनाना मुश्किल हो जाता है। और दाल में मैंने आलू डाल दिए थे अक्की के लिए, अक्की दाल और आलू खाने से बहुत ज़्यादा किलसता है, इस वजह से उसके लिए पिट्ठी बना दूँगी, वो पिट्ठी बहुत खुश होकर खाता है, उसे चाहे रोज़ पिट्ठी दे लो कभी मना नहीं करेगा, उसको पिट्ठी बहुत ज़्यादा पसंद है,
मेरी तरह है बिल्कुल। लगी है अपने बैठ कर बेचारी, जब हम इसको कहते हैं तब तो ये पहनती नहीं है, अपनी मर्जी से पहनती है। ये देखे जूते जुराब पहन रही है हमारी संगीता जी, जान दूध पका रही है चूल्हे पे, चूल्हा हमारा हर टाइम ही चलता रहता है। अरे बोल दे मम्मी कुछ। चल भैया गैस पर हमको पका लूंगा, आवाज बोल रही वहां कर रही गैस पर दूध ना पका रही, मैं ना पका चूल्हे पर पका रही, चूल्हे में आग ना पड़ती हमारे पास, चूल्हे में आग मतलब भैया हम ही बोलेंगे चूल्हे में आग अभी पकाऊंगा, चाटती हुई आ गई यार। आज मम्मी का गुस्सा आ गया, ये उपले जो हमने लिए हैं ये बहुत कम जलते हैं तो इनको जलाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो मम्मी कहती कह रही है कि ये नहीं जलाएंगे हम ही जला लेंगे। वैसे पहले मैंने ही जला ली थी आग, पर आग जल नहीं रही थी, फिर मम्मी ने जलाई तब जाके जलिया है, क्योंकि शाम के टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं तो मैं चूल्हे के पास ही ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकती। फिर मम्मी को ही उबालना पड़ा दूध और मम्मी को आ गया आज गुस्सा। अभी मैं बना रही हूँ केले पिट्ठी, मैं तवे पर ही छोंक लगा लेती हूँ जो मुझे थोड़ी बहुत ही बनानी होती है, और इसमें मैंने घी में डाल दिया है जीरा और धनिया, गरम मसाला और नमक मिर्च सब डाल के मैं अच्छे से फ्राई कर देती हूँ आलू को, और बहुत ही टेस्टी पिट्ठी लगती है, ऐसे बहुत ज़्यादा पसंद है हमें, मुझे भी, अक्की को भी, जिया को भी, लक्की को भी, किट्टू को भी, सभी को पसंद है। पर जिया, लक्की, किट्टू ने तो खाना खा लिया है, अक्की ने नहीं खाया था, वो बोल रहा था कि आज मैं दाल बिल्कुल नहीं खाऊंगा, तो मैंने बस उसी के लिए बना दी है पिट्ठी, अभी वो भी खा लेगा खाना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी, आप सब भी ठीक ही होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज मैंने अपने रूम का सारा सामान चेंज कर दिया है, कमरा शिफ्ट कर दिया है, घर बदल दिया है मैंने आज अपना, मेरा तो घर यही है छोटा सा कमरा, इसमें ही उलट पुलट करती रहती हूँ मैं। आज मेरा मन कर रहा था कि सामान चेंज कर दूँ तो मैंने चेंज कर दिया, और वैसे जब मैं चेंज करती हूँ सामान तो मैं इस वजह से चेंज करती हूँ, बेड के नीचे झाड़ू नहीं लगती और बहुत कूड़ा होता है, वो निकलता नहीं है चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, रह ही जाता है। और अगर मैं सामान चेंज करती हूँ तो अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, सारा कूड़ा भी निकल जाता है और मेरे मन को भी शांति मिल जाती है, तो वैसे बहुत ही कम टाइम मिलता है मुझे अच्छे से सफाई करने का, तो बहुत ज़्यादा काम है, और गांव में तो आप जानते ही हैं कितना काम होता है, अलग अलग तरीके का ही होता है सारा काम, बच्चों का भी काम होता है बहुत, तो गाँव में टाइम मिलना बहुत ही मुश्किल है, वक्त निकाल के ही करती हूँ क्लीनिंग, मैं झूठ नहीं बोलूँगी आपसे। तो मुझे बहुत ही कम टाइम मिलता है अच्छे से साफ सफाई करने का रूम की, और जब भी मैं सफाई करती हूँ तो फिर अच्छे से ही करती हूँ, पूरे सामान को हटा के अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ एक बार तो मैं। और मम्मी बोलती भी रहती है कि सामान को इधर उधर करती रहती है, पता नहीं क्या है, थकती नहीं क्या करती हुई, तो मैं ऐसे ही करती रहती हूँ, मुझे आदत है, अभी तो मैंने बहुत दिनों के बाद किया ऐसा, तो आज मुझे मेरी खोई हुई चीज़ भी मिल गई, मुझे फ़ायदा भी हो गया, मेरी सोने की लौंग थी वो खो गई थी, आज मुझे मिल गई मेरा खजाना जो कि खो गया था, आज मुझे खजाना मिला है बहुत बड़ा अपने रूम में से, और खजाना ही है सोना, बहुत ज़्यादा महंगा है, लेना भी मुश्किल है, चाहे छोटी सी भी चीज़ हो सोने की पर वो भी बहुत ज़्यादा कीमती है, लेना भी मुश्किल है हमारे लिए, तो हमारा तो एक बार खो जाए तो फिर लेना मुश्किल है। और मैंने एक बार कुंडल भी खो दिया था अपने कान का, वो भी मुझे 6-7 महीने में नसीब हुआ था, फिर मैं ऐसे ही घूमती रहती थी नंगे कान ही, कान में कुछ नहीं था, खो गया था मेरा, और वो खोया था मेरा घर, मिला नहीं था मुझे, और मुझे आज तक भी उसका बहुत ज़्यादा दुख है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे वे,
और सोने की चीज तो वैसे भी बहुत मुश्किलों से बनती है। मुझे कभी भी याद आ जाता है कि काश मुझे कहीं मिल जाता वो, पर कहीं नहीं मिला था बिल्कुल भी। फिर मम्मी ने बनवा के दिए थे मुझे ये वाले कुंडल, फिर मम्मी ने बनवाए थे मेरे। तो चलिए, मैं कुछ भी अपना ज़्यादा जो भी कुछ मेरे साथ घटना होती है आज तक मैंने कुछ भी शेयर नहीं की है, और आज बातों ही बातों में आ गई मेरे जुबान पर। ज़्यादात नहीं है कैमरे के सामने अपने दुखों को बयां करने की। आप सभी जानते हैं जो मेरा जीवन है आपके सामने है, ऐसे गीत गाने से क्या होगा, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। तो जो भी मेरा मन करता है आप लोग के साथ अपने दिल की बातें शेयर कर लेती हूँ। तो प्लीज़ बताना कि आप लोगों को मेरे जीवन की बातें, आप लोगों से मैं अपने जीवन की बातें शेयर कर लेती हूँ तो किसी को बुरा तो नहीं लगता, प्लीज़ बताना ज़रूर। और फ्रेंड्स, इस वीडियो कर लेती हूँ यहीं पर एंड, बहुत बड़ी हो जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाएंगे सुनते सुनते मेरी कहानी को। तो वीडियो कर लेती हूँ एंड, अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, लाइक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दिया करें मेरी वीडियो को, उससे मुझे भी ये हो जाएगा कि हाँ आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, इतना लाइक करते हैं, तभी तो आप लोग वीडियो देखने से पहले लाइक कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो वीडियो को देखने से पहले ही लाइक कर देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप सब भी मेरी वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दिया करें देखने से पहले, फिर आप लोग भूल जाते हैं, तो ऐसा ना करें। तो मैं क्या बोल रही थी, मुझे नाम भी लेने थे पर वो मैं कर लूँगी, आज टाइम नहीं है, और मैं थकी हुई भी बहुत ज़्यादा हूँ। आज मैंने सारा सामान ही इधर उधर किया है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और मुझे कमेंट भी करें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, बहुत ज़रूरत है मुझे, और मेरे सब्सक्राइब बहुत कम हो रहे हैं, मुझे उन्हें देख देख के बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। प्लीज़, बहुत हिम्मत जुटा के मैं वीडियो बनाने लगी थी, मेरे बस की बात नहीं थी बिल्कुल भी, मेरा जीवन बहुत ही सिंपल था, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी तो बहुत ज़्यादा मैं फिर भी बोलने लगी हूँ, नहीं तो मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी बोलने की। तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा सपोर्ट करें, बस यही है, गांव में और कुछ तो काम नहीं कर सकते, बाहर शहर में रहते हैं तो कुछ भी जॉब कर लेते हैं, और मैंने वीडियो बनाना नहीं ऐसे ही शुरू कर दिया था। गांव में कुछ ऐसी सुविधा नहीं है जिससे मैं कर सकूं कुछ, और ना ही मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, तो मैंने सोचा कि देखते हैं यूट्यूब से मुझे कुछ मदद मिल जाए अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, अपने परिवार की मदद करने के लिए। तो इस वजह से ही मैं लग गई थी, अभी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे नहीं पता, देखते हैं क्या होगा। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो कुछ कर सकती हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और बस इस वीडियो को कर लेती हूँ यहीं पर एंड, मिलूँगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राम राम जी। और इस टाइम ही मुझे वक्त मिलता है आप लोगों से बातें करने का, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। तो अगर आप लोगों को मेरी ज़रा सी बातें बुरी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।